लोकसभा की 303 सीटों पर देश की जनता ने अपना फैसला दे दिया है। सभी उम्मीदवारों का भविष्य ईवीएम मशीनों में बंद हो चुका है। सभी सियासी पार्टियों के उम्मीदवार अपनी जीत को निश्चित करने के लिए दिन रात एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में 13 सीटों पर चुनाव होने जा रहा है और सबसे अहम सीट लुधियाना शहर की मानी जा रही है। को महानगर लुधियाना होने के नाते जहां पर अगर पिछले चुनावों की बात करें तो पिछले दो चुनावों में कांग्रेस ही विजयी रही थी। 2009 में मनीष तिवाड़ी और 2014 में रवनीत बिट्टू कांग्रेस के विजयी रहे थे। अब बात करते हैं, मेरे साथ मौजूद हैं श्रोमणी अकाली दल के सीनियर नेता, श्रोमणी अकाली दल में मंत्री रहे और पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के एडवाइज़र रहे, महेश इंद्र सिंह गरेवाल जी से। आइए बात करते हैं। महेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपकी मेहरबानी की आपने मेरे से बात करने की खेचल की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महेश जी, कैसे चल रही है कंपेनिंग? आप बहुत कम समय रह गया है। देखो, बात यह है कि लोगों में बहुत बड़ी एक निराशता है कांग्रेस के विश्वासघात की, और वो लोग ठगे ठगे से महसूस कर रहे हैं आम आदमी पार्टी से जी, जिसके लिए लास्ट इलेक्शन में उन्होंने बहुत जोश खरोश से काम किया था जी। अब लोग उनसे दूरी बनाए बैठे हैं, क्योंकि जो लोगों को उनकी उम्मीदें थी वो उम्मीदों पर दोनों पार्टियों ने पानी फेर दिया। आप कैसे देखते हैं, क्योंकि दो मैं बात करी भी दो पहले जो इलेक्शन हो चुके हैं उसमें कांग्रेस ही विजयी रही, और जो 2017 की बात करें 2017 में भी अकाली दल बड़ा पिछड़ा नजर आया। आज तक इतनी अकाली दल की पोजीशन नहीं रही, इतनी कम 14 सीटें आईं। और क्या वजह, क्या समझते हैं क्यों अब 2014 में विजयी रहे वो कांग्रेस ही, अब 2017 में भी विजयी रहे, और अब जो बात आई है 2019 की, अगर विधानसभा का कोई असर तो नहीं देखने को मिलेगा? ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर आप ये बात सोचें, इलेक्शन में लोग हर इलेक्शन में डिफरेंट डिसीजन लेते हैं जी। लास्ट पार्लियामेंट में दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने स्वीप की सात सीटें जीती, पर उसके बाद 8 महीने बाद जब असेंबली हुई तो आम आदमी पार्टी जीती। सो अगर आप ये सोचकर ये मियार से फैसला करें कि पिछली इलेक्शन में कौन जीता और आगे में कौन जीतेगा, ये बात आजकल नहीं चलती। लोग हर इलेक्शन में माहौल के मुताबिक, कैंडिडेट्स के असेसमेंट के बाबत, और फिर उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि जो पार्टियां हैं उनकी जो लोगों से किए हुए वादे हैं उस बारे में वो कैसे उतर रही हैं, ये सारे सब चीज़ें देख के फैसला लेते हैं। तो जो आपने बातें कही, दो दफ़ा जीते, तो ऐसी सीटें भी हैं जहां कभी लोग जीतते नहीं थे वहाँ अकाली दल जीता। जैसे पहली दफ़ा मैं लुधियाना से 1997 में लुधियाना पश्चिमी से MLA भरा, तो पहले उसको कभी अकाली दल ने जीता नहीं था। तो ये सोच कर कि पहले ये कांग्रेस पर रही, कांग्रेस के उम्मीदवार 5 बार उस सीट पे जीते, तो मैं जीत नहीं सकता था, ऐसी बात कोई नहीं होती। वैसे देखा जाए तो आपकी जो छवि है शुरू से ही बहुत निम्रता वाली और बड़ी ईमानदारी वाली और अकाली दल के वफादारी वाली रही है, तो आपको एक अच्छे उम्मीदवार के नाते जो अकाली दल ने भी उतारा है, तो क्या समझते हो, क्योंकि लुधियाना के अंदर जो 9 हलके हैं उनमें कांग्रेस के ज़्यादा MLAs हैं और 2 तो बैंस ब्रदर है दूसरी पार्टी का और 1 आम आदमी पार्टी का है, तो कैसे लोहा लेंगे आप? देखो, 2 आम आदमी पार्टी के हैं, जगराओं और दाखा, और 2 लोक इंसाफ पार्टी के हैं, 5 कांग्रेस के हैं जी। अगर ये बात होती तो जब 455 सीट राजीव गांधी में ली, उससे नेक्स्ट सरकार भी उसकी बननी चाहिए थी, क्योंकि 455 थी जी। वो बात बीते की है जी। अब आने वाले समय की बात है, आने वाले समय की बात में लोग आने वाला समय देखकर उम्मीदवार को वोट डालेंगे। जिस तरह से अब लोग देख रहे हैं, 2 साल हो चुके कांग्रेस सरकार को, उस पर आप भी तंज कस रहे हो, पे कुछ नहीं किया, वादे किए और नौजवानों को नौकरी नहीं मिली, और किसानों की बात भी करते हैं, तो आप किस मुद्दे को लेकर मेन जाओगे ताकि लोग आपको वोट डालें? देखो, ऐसे है कि जो आज ये पार्लियामेंट की इलेक्शन है, इसमें स्टेट के मुद्दे भी भारू होंगे, परंतु नेशनल मुद्दे बहुत भारू होंगे जी। आज सबसे बड़ी बात है कि अगर देश को एक रखना है, देश की अखंडता रखनी है, देश को अतवाद से बचाना है जी, देश में कम्युनल हार्मनी रखनी है जी, और देश को इस बात के लिए स्ट्रॉन्ग और एक पहले दर्जे का नेशन बनाना है जी, तो जो पास्ट एक्सपीरियंस है उसने साबित कर दिया है
कि इस सब बीमारियों का इलाज श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। क्यों पहली दफ़ा हुआ कि पाकिस्तान ने ज़्यादतियाँ की, पहले चाहे वो आर्मी कैंप में आके हमला किया और उसके बाद पुलवामा में किया जी। कि उनको बहुत दुखता जवाब मिला है एयर सर्जिकल स्ट्राइक से और सर्जिकल स्ट्राइक से जी। जो फर्स्ट टाइम इन दी हिस्ट्री हो नहीं, अगर पाकिस्तान जो करता था जी। वो हमारा नेशन उसको जितनी ज़ोर से रिटेलिएट करना चाहिए था जी। रिएक्ट करना चाहिए था, कभी नहीं किया जी। और यही बात है कि आई थिंक ये भी पहली बार होगा कि एयर फोर्स का जब पायलट अभिनंदन उधर पाकिस्तान में गिरा तो 24 घंटे के अंदर अंदर वो देश वापस आया। दैट शोज दी स्ट्रेंथ ऑफ द नेशन अंडर लीडरशिप ऑफ मिस्टर मोदी जी। आप क्या देखते हैं इस इलेक्शन में भी कि मोदी लहर जो काम रहेगी, क्योंकि 2014 में अगर देखा जाए जो मोदी लहर इससे भी ज़्यादा थी तो पंजाब में इतनी सीटें नहीं आई। वो हालात डिफरेंट थे, हमारी सरकार थी, इतने काम करने के बाद भी कहीं ना कहीं लोगों को एंटी इनकम्बेंसी की बात थी। अब हालात बदले हुए हैं, कांग्रेस फेलियर है जी। विश्वास लोगों ने किया, कांग्रेस ने विश्वासघात किया है जी। और मैं समझता हूँ कि इस टाइम तो इतने बहुत बढ़िया सुखामे हालात हैं श्रोमणी अकाली दल भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के लिए जी। ये आश्चर्य नहीं होगा कि अगर पंजाब में 13 की 13 सीटों पर श्रोमणी अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीते। आप भी कह रहे हैं, श्रोमणी अकाली दल कह रहे हैं और सुखबीर बादल भी प्रधान भी कह रहे हैं, बादल साहब भी कह रहे हैं 13 पर जीतेंगे और कांग्रेस भी कह रही है 13 पर जीतेंगे, क्या ये मुमकिन है? आप कैसे समझते हैं? आप देखो 1999 में श्रोमणी अकाली दल उस टाइम BSP से अलायंस किया था जी। तो अकाली दल और BSP ने 13 से 12 सीटें जीती थी। अब मुमकिन नामुमकिन वाली कोई बात नहीं, एक ही और एडिशन करनी है वो हो जाएगी। तो देखा जाए पिछली तरफा भी चौतरफा मुकाबला हुआ था लुधियाना में, आम आदमी पार्टी थी, अकाली दल थी और कांग्रेस थी और बैंस ब्रदर थे। इस बार भी चौतरफा हो रहा है लेकिन उसमें एक बड़ा जो फैक्टर है HS फुलका का, जिन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़ दी और 2.5 लाख वोट ले गए थे, वो 2.5 लाख वोट को आप किस नज़र से देखते हो? क्या आप उसको कन्वर्ट किधर कर पाओगे? आप देखो पहली बात, पिछली दफ़ा जो फूलका साहब थे वो आम आदमी पार्टी की वोट भी लगे पर उनको एक बहुत बड़ा 6 वोट का सेक्शन मिला, जो लोग सोच रहे थे कि 1984 के कत्लेआम के दोषियों को सजा दिलवाने के लिए फूलका साहब बहुत काम कर रहे हैं जी। तो उन्होंने भी उधर डाली, अदरवाइज़ वो काली वोट है जी। सो आज जो 2,79,000 फूलका साहब की वोट थी, मेरा मानना ये है कि उसमें से 80% प्लस श्रोमणी अकाली दल को आ गई और 10 से 20% वोट कांग्रेस से भी दूर होगी जो श्रोमणी अकाली दल को आ गई जी। और बहुत बड़ा सेटबैक होगा बैंस साहब को, उनकी वोट है थोड़ी बहुत ही कांग्रेस में जा सकती है और मेजर हिस्सा उसका अकाली दल श्रोमणी दल अकाली दल को भारतीय जनता पार्टी को आएगा। देखो सनैरो चेंज हो चुका है जी। पिछली दफ़ा बैंस साहब की पहली इलेक्शन थी पार्लियामेंट की और उनको लेजिस्लेचर बने हुए कुल 2 साल हुए थे बिल्कुल, अब 7 साल का उनका परफॉर्मेंस देखना है जी। हैं जी, और मैं ये समझता हूँ कि जो वो मुद्दे उठा रहे हैं कि नशा रहत और भ्रष्टाचार रहत लाज बनाना तो हमें वोट डाले, उनको ये इलम होना चाहिए कि ये मुद्दे हैं दोनों स्टेट सब्जेक्ट हैं और उनके लिए 7 साल में बैंस साहब का क्या परफॉर्मेंस है लोग पूछते हैं बिल्कुल। फेलियर फेलियर अचीवमेंट क्या है, सेल्फ अमेजिंग दी वेल्थ, सो ये सब बातें हैं बहुत स्पष्ट हैं। रवनीत सिंह जी बिट्टू रिमेंड ए नॉन परफॉर्मर मेंबर पार्लियामेंट, उनकी अचीवमेंट दिखाई है ना जी। देखो वो ये बात कहकर पल्ला नहीं छुड़ा सकते कि जी सेंटर में मेरी ऑपोजिट गवर्नमेंट थी जी। उनके 5 साल के ये हिस्से में जो है का जो बजट आया था उसको कैसे देखते हैं, कहाँ खर्चा 25 करोड़, वो तो कहाँ खर्चा ही नहीं। उन्होंने 2 गांव अपनी गोद लिए थे, एक इसेवाल और एक आलमगीर, आप उधर ज़रूर जाके निरीक्षण करिए कि एक भी ईंट लगी है जी। उसका उत्तर है नहीं जी। जो कहते पार्लियामेंट में मैंने पंजाब के बहुत मुद्दे उठाए, 56 बार वहाँ मुद्दे उठाए मैंने, वो बताएं लोगों को कि वो मुद्दे क्या थे पंजाब के, उन्होंने क्या पंजाब के पानियों के लिए कभी बात की, दिल्ली के हुए सिख के तलाम की बात की जी। पंजाब के लिए चंडीगढ़ दबाने की बात की जी। पंजाब के किस इशू पर की, कोई पंजाब के लिए स्पेशल पैकेज की डिमांड की जी। कोई क्या क्या, वो कहते हैं 544 मैंने सवाल डाले जी। मैं ये बात बताना चाहता हूँ, दिल्ली में एक
क्लास है जो रिटायर्ड ऑफिसर्स होते हैं लोकसभा और राज्यसभा के, वो आफ्टर रिटायरमेंट एमपी के साथ अटैच हो जाते हैं जी। तो वो सवाल बनाए जाते हैं। मेरा ख्याल है कि अगर ये मेरी बात को आप माने जी, तो बिट्टी जी को ये भी नहीं पता होगा कि जो सवाल कह रहे हैं उन्होंने क्या थे सवाल जी। और उनमें से एक भी सवाल अपने हाथ से दोबारा लिख सकते हो तो मैं उनको सलाम करूँगा। ये ऐसे काम करके सवाल पूछ के, व्हाट इज़ द आउट नेट रिजल्ट, आंसर इज़ नो। लुधियाना के लिए क्या किया? देखिए अग्रवाल साहब, जैसे आपने बताया कि कांग्रेस के ऊपर बड़ी देर से शुरू से ये दोष लगा है, 84 के दंगों का, सिख कत्लेआम का, अकाल तख्त साहब पर भी हमले करने का, और ऐसे ही अकाली दल पे भी दोष लगा हुआ है 2015 से बेअदबी और बैबल कांड का, उससे कैसे पार पाओगे आप? पहली बात, दरबार साहब के हमले को आप दो बोली गार्ड के बहबल के मुकाबले नहीं कोई कर सकते। होलीएस्ट श्राइन ऑफ द सिक्स इन वर्ल्ड श्री अकाल तख्त साहब, डिमोलिश्ड बाय टैंक्स एंड आर्म्ड कार्स। एंड ये भी उनको बताना पड़ेगा कि जो हज़ारें सिख बच्चे बीवियां गुरपुरों पर गए थे, उनके पास ना बंदूक थी ना कृपान थी, उनको कोई शहीद किया गया? अगर आप इधर 1-1 करोड़ कंपनसेशन दे रहे हो तो कांग्रेस गवर्नमेंट ने उनको क्यों नहीं दी जो 10,000 के लिए हुए? और जो ये बाइबल कला है, इट इज़ एंटायरली डिफरेंट इशू। इसमें गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं। जो लोगों ने की, गवर्नमेंट ने अपनी बेस्ट एबिलिटी के समय जो रहता समय था उसमें काम करने की बात की। और ये इस बात का सबूत है कि उस समय जो ये इंसिडेंट हुए उसके बाद बादल साहब ने श्री सुरेश अरोड़ा जी को DGP बनाया जी। अगर ये मौजूदा सरकार अरोड़ा साहब की कारगुजारी से ना खुश होती तो उनको कंटिन्यू क्यों कराती? तो ये साफ इस बात की गवाही भरता है कि जो उस समय काम किया गया उससे गवर्नमेंट भी मौजूदा भी सेटिस्फाई है कि तरह दुरुस्त काम हुआ। पॉलिटिकली उसको एक्सप्लॉइट करने के लिए जो चाहे मर्जी कर लें, परंतु मैं ये स्पष्ट कह सकता हूँ कि ये अब मुद्दा नहीं है। लोगों को पता लग गया कि अकाली दल को सिर्फ ढाल आने के लिए कांग्रेस की एक साजिश थी, आम आदमी पार्टी की साजिश थी, वो नंगी हो गई। जिस तरह से आपने बोला, इस तरह से विरोधी ये कह रहे हैं कि हमने, चलो मैं कमीशन की बात नहीं करता, लंबी हो जाए, जोरा सिंह की नहीं करता, रणजीत सिंह की नहीं करता, जो सिट बनाई थी इसी को लेने के लिए, उसके ऊपर भी कह रहे हैं अकाली दल ने जो कुंवर विजय प्रताप के लिए जो बाहर निकालने की बात करी है उसके ऊपर भी अकाली दल के ऊपर निशाना साधते हैं, क्या आप समझते हो कि इस बात? मेरी आप बात से सहमत होंगे कि हमारी बात छोड़िए, हमने कहा कि जो कुंवर विजय प्रताप हैं वे पॉलिटिकल गेम खेल रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने वो सारी उनके जो हमने कंप्लेंट की उसको वैल्यूएट करके जो फैसला लिया आपके सामने, उन्होंने कहा कि ये पॉलिटिकलाइजेशन ऑफ इशू हो रही है। और मैं ये पूछता हूँ कि सिट की आपकी अचीवमेंट क्या है अब तक? कैन दे नेम ए सिंगल पर्सन टू होम दे फाउंड गिल्टी फॉर फायरिंग? आंसर इज नो। दे आर जस्ट टारगेटिंग अकालीस, दैट्स ऑल। उसका निष्कर्ष कैसे निकला? कोई तो सिट बनानी पड़ेगी, कोई कमीशन का बनाया है जो किसी तरीके से, तो काम तो कर रही थे। कैप्टन साहब कहते हैं मैं सिट बनाई, उसके ऊपर ही डिंगे डाल ली अकाली दल, इसलिए कैसे आप समझते हैं? क्योंकि आप मानते हो भी सुप्रीम कोर्ट के जज की जो मौजूदा जज है उससे जो है छानबीन कराई जाए? नहीं, हम कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन सेंट्रल एजेंसी से कराई जाए और उसको मॉनिटर सिटिंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट करें। सुप्रीम कोर्ट का जज इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा, इंक्वायरी कर सकता है, इंक्वायरी की ज़रूरत नहीं। सेंट्रल एजेंसी इन्वेस्टिगेट करे और वो रेगुलर अपनी वीकली रिपोर्ट सबमिट करे सिटिंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को। आप कुल मिला के मानते हैं जो कुंवर विजय प्रताप को अलग से इस सीट से अलग रखना वो सही किया अकाली दल? उसको बिल्कुल दूर रखना चाहिए। ही इज़ ए नोन सिंपथाइजर ऑफ कांग्रेस and he had a very close relationship with few congress ministers. सर अब बात करते हैं एक और भी, जो क्योंकि इलेक्शन का माहौल है, इलेक्शन में सारे मुद्दे जो है उठ रहे हैं और सब विरोधी धार उसको बनाना चाहते हैं, और मेन मुद्दा था जो गुरमीत राम रही के माफ़ी का, और दूसरे बाद जब बैबल कला का मुद्दा उठा और गोलीकांड का मुद्दा उठा तो सब अकाली दल ने पार्टी ने जाकर के गुरु ग्रंथ साहब जी के मत्था टेका और अपनी भूल बख्शाई, और लोग ये कहते हैं भूल का पता बता तो दे कौन सी भूल थी, क्या इसी को भूल मानते थे?
मेरा ख्याल जो थोड़ा सा भी सिक्खी का इलम रखता है वो सिख रोज़ रात में रोज़ सुबह उठ के अरदास करता है कि जो मेरे से दिन भर में गलती हुई उनको माफ़ किया जाए, क्योंकि टू एर इज़ ह्यूमन, डोंट से एनी ह्यूमन बींग इज़ ए परफेक्ट, बट सर्टनली दिस वॉज नॉट इशू। सर, आप प्रकाश सिंह बादल जी के एडवाइज़र रहे हैं और उनके जो कहते हैं फैमिली में बहुत विचरते हैं और फैमिली मेम्बर ही समय तो बहुत अच्छी तरह उन्होंने आपको मतलब नज़दीक से आपने उनको जाना है और वो जो दर्द था कहीं ना कहीं उनके दिल और दिमाग इवन आंखों में झलकता जो है ना छलकता नज़र आता था और अभी भी नज़र आ रहा है, तो इसका कैसे पार पार सकेंगे आप? चलो इलेक्शन है ये तो अलग बात है, लेकिन ये इससे अभी तक अकाली दल जो पार नहीं पा सका। अकाली दल के लिए जो कहते हैं उस टाइम आपकी सरकार थी, इसलिए मैं कह रहा हूँ। मेरी बात सुन लीजिए, ये अगर आप ऐसे नॉलेजी से चले कि किसी गवर्नमेंट के दौरान कोई बात गलत हुई हो तो उसका हेड ऑफ स्टेट डायरेक्टली क्रिमिनल लाइबिलिटी के रिस्पॉन्सिबल है, तो गांधी फैमिली शुड बी फर्स्ट प्रोसिक्यूटेड फॉर दिल्ली मासेकर, फॉर डैमेजिंग द होलीएस्ट श्राइन, एंड इट वॉज ए रेजिंग ए वॉर अगेंस्ट ए कम्युनिटी। जो एक नेक इंसान है किसी भी धर्म का हो, जब कोई ऐसी बात हो सामने तो उसको अफसोस ज़रूर होता है, किसी भी धर्म का हो। अब कुरान की बेद भी हुई मलेरकोटला में, मैं अप्रिशिएट करूँगा, मैं हंसूँगा, मेरी आँख में आंसू आएंगे कि यह धार्मिक तौर पर बहुत बड़ी गलती हुई है। अगर भगवद गीता की वेद भी हो तो मैं हंसूँगा, ये मैं परवान करूँगा। जब भी कोई ऐसी धार्मिक हो बात तो नो सेन बॉडी विल अप्रिशिएट दैट। अभी तक इस चुनाव में अभी दौर चल रहा है, जैसे पीछे आपकी बात करी आपने, जो कांग्रेस है वो जो दूसरे सियासी पार्टियां हैं उनके जो बड़े नेता हैं उनको अपने में शामिल करने में लगी हुई है। आपने भी जो पार्टी थी और काका है जो वो लड़ा था पिछले विधानसभा उसको भी शामिल किया, लेकिन जैसे भोला है आपका प्रधान था और भी बड़े लोग उन्होंने कांग्रेस में शामिल कर लिए, क्या ये अकाली दल को कहीं ना कहीं कहीं चोट पहुँचाने की नीति से हो रहा है? अकाली दल को चोट नहीं लगती, क्योंकि देखो बात यह है कि ये एक बात बिल्कुल मन में बसा लीजिए, लीडर जा सकते हैं, लोग अपना डिसीजन आप लेते हैं। अगर मेरे को एज अकाली कैंडिडेट समझो 10 लाख वोट पड़े तो कल मैं कहीं दूर जाऊं तो मेरे का 10 लाख वोट ले जाऊंगा? उसका उत्तर है नहीं। ये जो कांग्रेस अब कर रही है आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं सीधी बात से कि 3 साल गवर्नमेंट सरकार के रहते हैं कांग्रेस गवर्नमेंट के, तो उनके जो मेन स्पोक्स पर्सन थे जी। बाली जी, क्यों छोड़ के आए जी। क्यों छोड़ के आए बताना पड़ेगा ना। उनके MLA 4 टाइम MLA जोगिंदर सिंह 5 गिरे क्यों छोड़ के आए जी। बताना पड़ेगा ना लोगों को। बहुत कांग्रेस लीडरशिप है, सरदार जगमीत सिंह बराड़ जैसे लोग आए हैं, ठीक है ना। आई थिंक ही वॉज दी ओनली पंजाबी हु वॉज ए मेम्बर ऑफ कांग्रेस वर्किंग कमेटी। सो ये बात तो बड़ी स्पष्ट है कि जो कुछ है कांग्रेस करने की कोशिश कर रही है वो बिल्कुल ही एक ड्रामा है, एक निर्मूल बात है। अभी जानकारी तो मिल रही है भी बहुत से कांग्रेसी भी सीनियर आगू आप अकाली दल में शामिल कर रहे हो। देखो जो आए अकाली दल की पॉलिसीज़ को एक्सेप्ट करे, अकाली दल के प्रोग्राम को एक्सेप्ट करे वो आएंगे, पर जो पहले सीनियर लीडर हैं उनको किसी को बाईपास नहीं कर सकते। हर की अपनी स्थान होती है पार्टी में, किसी के आने से वो ख़त्म नहीं होती। चलो अब मैं इस लुधियाने के आपके ऊपर बात करता हूँ, आपने लुधियाने के लिए क्या सोचा? अगर आपकी जनता लुधियाने की जनता आपको जिताती है तो आपका क्या पहले प्रायोरिटी रहेगी और क्या है? देखो बहुत बड़ी इश्यूज़ हैं आज पंजाब के लिए पर्टिकुलरली, एंड उसमें लुधियाना भी कवर होता है, पॉल्यूशन, हेल्थ फॉर ऑल एंड चीप हेल्थ स्कीम्स, एंड देन गुड एजुकेशन एंड चीपर रेट, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज फार्मिंग कम्युनिटी। वी मस्ट हैव टू सॉर्ट आउट दैट। मेन इकॉनमी इंडिया की फार्मिंग कम्युनिटी पर डिपेंडेंट है, ये सब इशू। एंड और इससे बड़ी बात यह है कि आज के इस फाइनेंशियल सिस्टम में कोई भी स्टेट गवर्नमेंट अगर सेंटर से कोई पैकेजेस ना आए तो कोई डेवलपमेंट और दूसरी स्कीमें नहीं बना सकती। तो अगर लोग पंजाब के और लुधियाना के ये फतवा श्रोमणी अकाली दल की हक में देते हैं तो मैं ये बात ज़रूर कह सकूंगा कि वो महसूस करेंगे
कि जो मेरे पहले कांग्रेस के एमपीज हुए हैं दे आर जस्ट डमी एंड नाउ वी गॉट ए रिप्रेजेंटेटिव हु हैज़ कैपेसिटी टू रिप्रेजेंट द कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड द स्टेट। इसमें तो कोई दो राय नहीं, आप आपके फादर भी एडवोकेट रहे, आप भी एडवोकेट थे और बार लुधियाना बार के प्रेसिडेंट भी रहे हो, आपकी इंटेलिजेंट भी कोई शक नहीं है, लेकिन आप क्या समझते भी अभी आने वाली जो सरकार है वो भारतीय जनता पार्टी एनडी की सरकार होगी, और आपका जब पहले जैसे बादल साहब कहते थे हमारे साथ बितकरा होता रहा है सेंटर का, अब लोगों को क्या लुधियाना वालों को ये हो सकता है जो अगर आपको जिताएं कि वाकई में अगर वहाँ जो दिल्ली सरकार है वो लुधियाना की सुध-बुध लेगी? देखो एनडीए की सरकार आना इज राइटिंग ऑन वॉल, नेशन हैज़ ऑलरेडी डिसाइडेड टू सेव द नेशन एंड दे डोंट वॉन्ट इट गो टू इन हैंड्स ऑफ ए इमेच्योर इनकेपेबल वीक पर्सन्स। और लुधियाना की बात तो होगी होगी, जब मैं उधर होऊंगा तो लुधियाना की बात होगी होगी, और ऐसा ही नहीं मैं बताता हूँ अगर मैं उधर जाके लुधियाना अकेले की बात करूँगा तो आई एम डिसऑनेस्ट टू पंजाब, आई विल रिप्रेजेंट पंजाब एंड विद आई ऑन लुधियाना एज ए प्रायोरिटी। क्योंकि लुधियाना में भी मैं ही बताया ना जी कि लुधियाना विल बी प्रायोरिटी बट माई कॉन्स्टिट्यूएंसी इज ए स्टेट ऑफ पंजाब, ये लोकसभा की इलेक्शन है। सनती शहर, उद्योगिक शहर, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाने वाला शहर है, इसमें बेरोजगारी की जैसे कांग्रेस की बात कर रहे थे तो रोजगार देंगे हम लोगों नौजवानों को और कर्जा माफ़ करेंगे किसानों को, अब तक क्या कुछ किया कांग्रेस ने, क्या समझते आप? देखो कांग्रेस ने आपने के सामने नॉट ए सिंगल पर्सन कैन क्लेम कि उसका कर्जा माफ़ हुआ। सेकेंड थिंग कोई एक फेस मैंने कर दी 1600 करोड़ कोई अमाउंट है। और दूसरी बात मैं जो कहना चाहता हूँ कि 60 लाख रोज़गार की कमिटमेंट की, रोज़गार नहीं तो बेरोज़गारी भत्ता की बात की, स्मार्टफोन की बात की, कहाँ है वो यूथ पूछेगा कांग्रेस से? तो कहते हैं हमने नशों को बंद किया, आप मानते हैं इसको? टोटली रॉन्ग, देयर इज़ ए रैम्पेंट इंक्रीज इन जो नशा तस्करी है पंजाब में, बहुत खतरनाक हालात में पहुंच चुकी है, और आरटीआई की इंफॉर्मेशन के मुताबिक 100 से कहीं ज़्यादा एक साल में नौजवानों की ओवरडोज नशा से मौत हो चुकी है, और दो साल में 1021 किसान सुइसाइड कमिट कर चुके हैं। आप कैसे मानते हैं, अगर आप आएंगे तो आप कैसे इनको इसको हमें अपने आप भरोसा है, अपनी पार्टी के प्रोग्राम भरोसा है, हमें अपनी पार्टी की लीडरशिप पर भरोसा है, और ये मेरी मानना है कि अगर वकील को वकालत करनी हो तो केस जितना मर्जी स्थिति में हो उसको जीतने का उसका आर्ट होता है। लास्ट क्वेश्चन, आप के मन में क्या है, अगर आप जीते तो मैं ये करना चाहता हूँ लुधियाना के लिए, करोगे पंजाब के लिए, क्योंकि पंजाब में बहुत बहुत बड़े बड़े जो संगीन जो मुद्दे हैं वो अभी तक हल नहीं हो सके। देखो ड्रग्स, अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्ट्रेस इन फार्मिंग कम्युनिटी, दे ऑल आर द इशूज टू बी टेकन ऑन प्रायोरिटी, एंड वी एज ए श्रोमणी अकाली दल एंड इफ इलेक्टेड एज ए रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम लुधियाना विल टेक ऑल दीज इशूज ऑन प्रायोरिटी। कैसे आप पंजाब की जो 13 सीटें एक बार फिर से पूछना चाहता हूँ, वाकई 13 की 13 सीटें श्रोमणी अकाली दल और बीजेपी की? देखो जो आज का माहौल है, जो आज की हवा है जी, वो इस चीज़ की गवाही भर रही है कि 13 की 13 श्रोमणी अकाली दल बीजेपी जीतेगा। गरवा साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमारे चैनल को दिया, और हमारी तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बेस्ट ऑफ लक। ये थे श्रोमणी अकाली दल के लुधियाना से उम्मीदवार महेश इंद्र सिंह गरेवाल, जिनका मानना था कि मैं लुधियाना की नहीं पंजाब की 13 की 13 सीटें श्रोमणी अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, लेकिन ये देखना जी होगा कि 23 तारीख को किसका परचम लहराता है, श्रोमणी अकाली दल का या फिर कांग्रेस का। धन्यवाद।